Hello students, welcome back. Yesterday we were discussing that what is a monohybrid cross and what is a dihybrid cross. जो monohybrid cross है उसकी जो F1 generation है वो सारी क्या होगी, टॉल होगी. सपोज करो ओके, लेट अस हैव एन एग्जांपल अबाउट, लेट अस हैव एन एग्जांपल अबाउट अ चेकर्स बोर्ड ऑफ हम एक चेकर्स बोर्ड बनाते हैं, उसके अंदर वी आर गोइंग टू हैव द गैमेट्स टी T, then T, and T. These are our gametes. When a small t fuses with a tall t, as we know that tall t ya capital T hai jo tall characteristic hai, that is dominant, the organism will have the genotype TT. In this case also TT, in this case also TT, and here also it's going to be TT. So as you can see that these are heterozygous organisms. Heterozygous organisms ka matlab kya hai, that both the alleles are not same. Heterozygous, both the alleles are not same. This is a heterozygous condition. ठीक है, कि एक capital T है and एक क्या है, small T है. So this is a thing. अब ये हो गई हमारी F1 generation. क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स थे दे वर द पेरेंट्स, दीज वर द पेरेंट्स एंड दीज आर द ऑफस्प्रिंग्स. ऑफस्प्रिंग्स क्या है, चार ऑफस्प्रिंग्स है. उनकी जो जीनोटिपिक रेशियो है दैट इज 1:1 एंड फिनोटिपिक रेशियो इज आल्सो 1:1. ऑल आर टॉल, क्योंकि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो क्या है, एग्जिबिट हो रहा है. So, इसको क्लियर करते हैं एंड नाउ लेट अस हैव यही वाला जो ऑर्गेनिज्म है इसी को हम क्या ले रहे हैं, यही वाले ऑर्गेनिजम्स को अब हम जेनेटिक क्रॉस करवाएंगे और फिर हम देखते हैं दैट व्हाट आर द ऑर्गेनिजम्स. दिस इज द F1 जनरेशन. F1 जनरेशन मतलब कि पेरेंट्स जो हमने एक्सपेरिमेंट करने के लिए पेरेंट्स लिए उसके फर्स्ट ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हुए हैं. फर्स्ट ऑफस्प्रिंग मतलब F1, ठीक है, ऑफस्प्रिंग नंबर 1 या फर्स्ट जनरेशन. F1 के फुल फॉर्म वैसे फ्लियल होती है, फ्लियल जनरेशन. नाउ लेट अस हैव द क्रॉस ऑफ टीटी इनटू टीटी. इसका चेकर्स बोर्ड बना के देखते हैं दैट इसमें क्या होता है. अब गैमेट्स बन जाएंगे हमारे पास, वन कैपिटल एंड वन स्मॉल, सेम.
on one side we are having a capital T that is responsible for the tall character, a small t that is responsible for the dwarf character. A capital T that is responsible for the tall character and a dwarf T, a small t that is responsible for the dwarf character. अब हम देखते हैं हमारी रेशो क्या है. कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी मेक्स अप टी टी. दिस इज दिस ऑर्गेनिज्म इज टॉल एंड दिस ऑर्गेनिज्म इज होमोजाइगस टॉल. नाउ ऑन द वन साइड वी हैव टॉल एंड अदर साइड वी हैव स्मॉल. दिस ऑर्गेनिज्म इज ऑल्सो टॉल बट दिस ऑर्गेनिज्म इज हेट्रोजाइगस टॉल. ये वाले बॉक्स में क्या होगा. One is capital T and other is the small t. This organism is also going to be tall, but it is heterozygous tall. And the last one is TT, that is recessive. This organism is going to be dwarf because it is having both the alleles which are responsible for the dwarf gene. ठीक है. तो इस टाइप की रेशो को हम बोलते हैं फीनोटिपिक रेशियो. अब F2 जनरेशन में आप देख सकते हो कि हमारी जो रेशियो आई है दैट इज 3:1. ये भी टॉल है, ये भी टॉल है और ये भी टॉल है. मतलब आउटर कैरेक्टरिस्टिक्स में 3 टॉल एंड 1 ड्वार्फ. एक है जो ड्वार्फ है, इसलिए दिस इज द फीनोटिपिक रेशियो. जीनोटिपिक रेशियो में आप देख सकते हो ये वाला ऑर्गेनिज्म है, दिस इज डिफरेंट. ये वाला ऑर्गेनिज्म है, दिस इज डिफरेंट. एंड ये दो ऑर्गेनिजम्स हैं, दिस इज डिफरेंट. सो हमारी जो जीनोटिपिक रेशियो है दैट इज 1:1 फॉर दिस डोमिनेंट टॉल. दो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे हेट्रोजाइगस टॉल एंड लास्ट वाला 1 है जो दैट इज होमोजाइगस रिसेसिव. ठीक है. इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं. इस तरीके से हमने एक्सपेरिमेंटली क्या कर दिया, प्रूव कर दिया कि जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस ले रहे हैं सेकेंड जनरेशन के अंदर, क्योंकि ये क्या है, ये F1 के ऑफस्प्रिंग है, F1 के ऑफस्प्रिंग है. एंड F1 के ऑफस्प्रिंग को जब हमने करवाया क्रॉस तो हमारे पास F2 जनरेशन में ये वाली रेशियोज आई. कौन सी रेशियोज? फिनोटिपिक रेशियो 3:1 एंड जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1. The result of the monohybrid cross enabled Mendel to formulate his first law of inheritance, which is called law of segregation. Now, आ गया हमारा law of segregation. Law of segregation states that the characteristics or traits of an organism are determined by internal factors which occurs in pairs. ठीक है, मतलब कि हमारे पास pair वाले genes होते हैं, जैसे कि हमने लिया था TT. ये क्या, ये हमारे पास पेयर्ड एलील्स हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ कैरेक्टर. एंड ऑन द अदर हैंड वी हैड टीटी. कोई भी ऑर्गेनिज्म है गैमीट फॉर्मेशन के टाइम ये दोनों जो एलील्स है ये सेपरेट आउट हो जाएंगे. इसी का मतलब क्या था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. ओनली वन पेयर ऑफ सच, ओनली वन ऑफ अ पेयर, एक एक पेयर का एक पार्ट एक गैमेट के अंदर प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से जो है जो हमारे कैरेक्टर्स हैं दे सेग्रीगेट, दे सेपरेट आउट ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन. अ क्रॉस व्हिच इन्वॉल्व्स प्लांट्स विद टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इज कॉल्ड अ डाईहाइब्रिड क्रॉस. डाईहाइब्रिड क्रॉस के अंदर क्या होगा, फिनोटिपिक रेशियो आएगी हमारे पास 9:3:1 एंड जीनोटिपिक रेशियो आएगी हमारे पास 1:4:1:1:2:2. ओके, तो इस चीज को हम एक्सपेरिमेंटली करके देख लेते हैं. लेट अस नाउ हैव अ डाईहाइब्रिड क्रॉस. अब हम डाईहाइब्रिड क्रॉस बनाते हैं.
फिनोटिपिक रेशियो है हमारे पास 9:3:3:1, एंड जीनोटिपिक रेशियो है हमारे पास 1:4:2, 1:1:2:2. जीनोटिपिक रेशियो है 1:4, 1:1, 1:1, 1:1. दिस इज द जीनोटिपिक रेशियो. इसको हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर लेते हैं. अब हमने लेना है एक डाई हाइब्रिड क्रॉस. डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमारे कैरेक्टरिस्टिक रहेंगे आर आर येलो, दैट इज राउंड एंड येलो सीड्स, एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स. ओके, तो इसको गैमेट्स में बना लेते हैं. Let us write the gametes now. Round yellow, round yellow, wrinkled green, and wrinkled green. In the F1 generation, let us have now the F1 cross. ये हमारे parents हैं, and parents cross करके जो है F1 generation form करेंगे. Let us have the cross of this. हमारे पास first generation में तो सारे round and yellow seeds आएंगे. Round and yellow because round is the dominant character and yellow is the dominant color. बट सभी क्या होंगे, हेट्रोजाइगस होंगे इन एवरी वे. हेट्रोजाइगस मतलब उनके जो एलील्स होंगे वो सिमिलर नहीं होंगे. ओके, दिस इज द F1 जनरेशन. हमारे पास अब F1 जनरेशन आ गई है. अब हम F2 जनरेशन देखेंगे. F2 generation कैसे देख सकते हैं? F2 generation के अंदर we are crossing the offsprings. ये जो हमारे पास offspring आए हैं, हमने इनको क्या करना है? Cross करना है. So let us have the F2 generation. F2 generation के अंदर we are crossing तो हमारे पास गैमेट्स क्या आ जाएंगे? गैमेट्स हो जाएंगे हमारे, द फर्स्ट गैमेट इज ऑफ राउंड येलो, द नेक्स्ट गैमेट इज राउंड येलो, द नेक्स्ट गैमेट इज राउंड ग्रीन, द नेक्स्ट गैमेट इज रिंकल्ड येलो. These are the four types of gametes that are formed from one parent. Isko cross karwayenge with same round yellow, wrinkled green, round green,
एंड रिंकल्ड येलो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टर्स गैमीट्स आ गए हैं। अब हम इनकी रेशियो देखने वाले हैं। So let me write here round yellow, then wrinkled green, then round green and wrinkled yellow. Same in this case here, let us have a cross now. Capital R, capital R, capital Y will form this type of organism. Capital R, small r, capital Y, small y, this kind of organism. Capital R, capital R, capital Y, small y, capital R, capital R, capital Y, small y. Capital R, small r, capital Y, capital Y. यहां पे क्या आएगा? Capital R, capital Y, small y. यहां पे all the r are small and all the y's are also small. Again here in this case capital R, small y and small y. This is the character having here next, small r, capital Y. Here we are having the capital R, capital Y and small y. Here we are having capital R, small y. Capital R, small y, small y. Capital R, capital Y and small y. Here we are having capital R, small r, capital Y and capital Y. Here we are having small r, capital Y and small y. Here we are having capital R, small r, capital Y, small y. Here we are having small r, capital Y. So let me write all the characteristics that are present over here. This organism is green and round. जो भी organism green है उसको हम green mark कर देते हैं. Green कौन सा है जिसमें दोनों y small है. जो भी ग्रीन है उसमें दोनों वाइज क्या है स्मॉल है. तो एक तो ये वाला ग्रीन है, एक तो ये वाला ग्रीन है, ये वाला ग्रीन है एंड ये वाला ग्रीन है, देन ये वाला ग्रीन है. ठीक है, जो राउंड है उसको मैं राउंड मार्क कर देती हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस ब्लैक मार्कर. राउंड कौन से होंगे जिनमें दोनों कैपिटल आर हैं? दिस वन इज द राउंड, 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 सॉरी या
जिसमें एक भी कैपिटल आर है वो राउंड है, क्योंकि राउंड कैरेक्टर इज द डोमिनेंट कैरेक्टर, तो जहां पे भी कैपिटल आर दिख रहा है दैट इज द राउंड वन. And at last we have this. This one is the round. Now the yellow colored. जहां पे भी y दिख रहा है capital y, that is the yellow color. One, two. Three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11 and 12. Okay. जब जो रिंकल है वो रह गए. We will write the W in front of the organisms which are wrinkled. तो W लिख देते हैं. जहां पे दोनों Y small है they are the wrinkled. 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 Sorry, this is not the wrinkled one. Okay, this one is the wrinkled. This one is also wrinkled. This one is also wrinkled. So, let us write the number now. Green round, wrinkled green wrinkled yellow and green yellow, sorry, round yellow. Round green. Round green है हमारे पास. जो round green है हमारे पास they are one round green. One, two, three. We are having three round green, three round green and three and only one that is wrinkled green, only one that is wrinkled green, wrinkled yellow, one and two and three. Three wrinkled yellow and round yellow. One, two, three, four, five, six. Let me count it again. Let me annotate it. First is round yellow one, round yellow. Three, four, five, six, seven, eight, and nine. We are having round yellow as nine. Now the phenotypic ratio, जो बाहर से हमें दिख रही है,
दैट इज द फीनोटिपिक रेशियो. हैंस प्रूव्ड फीनोटिपिक रेशियो हमारी क्या है, दैट इज 9:3:1. 9 राउंड येलो, 3 रिंकल्ड ग्रीन, 3 राउंड ग्रीन एंड 1 रिंकल्ड ग्रीन. दिस इज द फीनोटिपिक रेशियो. अगर जीनोटिपिक रेशियो हम देखें तो जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो यू कैन रिमेंबर दैट जो फुली डोमिनेंट है वो तो एक, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट्स आर 1, 2. ओके, लेट मी राइट द जीनोटिपिक रेशियो इन दिस वे. तो इसको कम कर लेते हैं. आर आर वाई वाई इज 1, आर आर वाई वाई इज 1, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये कितने हैं हमारे पास, वी आर हैविंग एज दिस इज द फर्स्ट. दिस इज द सेकेंड. And this is the third. This is the fourth. ये हमारे पास कितने हैं, 4. Capital R, small y, small y. Capital R, small y, small y. 1, we have this. Let me annotate it with a different color. This is the one. This is the first one. Capital R, small y, small y. Capital R. Okay. We also have this as 1. Yeah, this is also 1 in number. Now, next number is small r, capital Y. Small r, small r, capital Y, capital Y. This is also 1 in number. We are having only 1. Capital Y. This is also 1 in number. Now, capital R, small y, we have 2 in this and 2 in this. Thus, our genotypic ratio is also proved and phenotypic ratio is also proved. Now, you can remember about the genotypic and phenotypic ratio as in that is shown like this. One is to 4 and 2. 1 is to 1 is to 1 is to 2 is to 2 is to 2. That was all about the law of segregation. Okay, students, that was all about today's topic.
फ्रॉम टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. बेसिकली यू डोंट नीड टू गेट इन टू द डाइहाइब्रिड क्रॉस. डाइहाइब्रिड क्रॉस को इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है कि आप कंफ्यूज हो जाओ. बेसिकली फिनोटिपिक रेशियो इज इम्पॉर्टेंट एंड फिनोटिपिक रेशियो को प्रूव करना इम्पॉर्टेंट है, वो भी आपको याद रखना पड़ेगा. If you want to understand it conceptually, you can perform it practically. आप solve करके देख सकते हो and then you will get the genotypic ratio also. But genotypic ratio is important for NTSC exams if you want to appear in the NTSC exams. Otherwise, in the boards, it is not so much relevant. बहुत rarely ये question है जो genotypic ratio of dihybrid cross के बारे में पूछा जा सकता है. In 12th class पूछा जा सकता है, लेकिन 10th के अंदर ये इतना ज़्यादा relevant नहीं है. Okay, student. So that was all about today. Thank you so much.